नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई, यहां हमारे हॉस्पिटल्स है। मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को हम बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिफिलोफोबिया, एड्स फोबिया, वेनेरियोफोबिया, इसके बारे में। क्या होता है कि वो व्यक्ति जो हमारे पास में आता है, उसको बार बार ऐसा डर लगता है, डर, बहुत ज़्यादा डर, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा विचार कि उसको सिफिलिस हो जाएगा या उसको एड्स हो जाएगा या उसको हर्पीज सिंप्लेक्स नाम की जो बीमारी है तो वो हो जाएगी। अब ये हो सकता है कि ये कहीं गया होगा और उसने इलिसिट रिलेशनशिप में कांटेक्ट किए होंगे और वहाँ से उसको डर बैठा होगा, या फिर उसको ऐसा डर है कि वो एड्स के या सिफिलिस के व्यक्ति के साथ में उसने कोई कपड़े शेयर किए, इनर क्लोथ शेयर किए, इसलिए उसको डर बैठ गया, या उसका खून उसके हाथ को लग गया इसलिए डर बैठ गया। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है और उसको डर बैठता है। एक गिल्ट फीलिंग से वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको कभी सोशल वर्कर, जो सेक्स सोशल वर्कर जो है, मतलब जो सेक्स वर्कर जो है, इनके साथ में वो आता है और सेक्स वर्कर के साथ में आके उसका कॉन्टैक्ट हो जाता है, बाद में उसको गिल्ट लगता है और फिर जो दिमाग में बैठता है कि नहीं अभी मुझे एड्स हो जाएगा या मुझे सिफिलिस हो जाएगा, बार बार टेस्ट करेगा, बड़ी फाइलें लाएगा और उसको टेस्ट करने के बाद में भी उसको लगता है कि नहीं अभी तो भी पॉजिटिव आया होगा तो अभी मैं टेस्ट करूँ, तो फिर कुछ दिन के बाद में फिर जाके वो अपना खून टेस्ट करके देखेगा कि सिफिलिस है कि अपना एड्स हो गया है कि और कुछ बीमारी है करके। तो ये लोगों को एक तो रीअश्योर करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि भाई ये तो आपका एक दिमाग में डिल्यूजन बैठा हुआ है कि नहीं मुझे ये हुआ ही है, डर नहीं इनको, उनको लगता है कि मेरे को हुआ ही है। और जब उनको बार बार बताते हैं कि भाई ब्लड में तो दिखाई देते हैं, बोले नहीं ब्लड में दिखाई देंगे नहीं, मेरे को हुआ है ये बीमारी, ऐसा बोलते रहते हो। तो इनका इलाज करना जरूरी है, इसके लिए भी पीमोसाइड है, क्लोमिप्रेमिन है, ऐसी दवाई हम देते रहते हैं कि जिससे, और फ्लॉक्सिटिन जैसी दवाई है कि जिससे उनको काफ़ी सारा फर्क पड़ता है और वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये लोग यदि सेक्लूडेड जीवन जीना चालू कर दिया, मतलब अकेले रहना यदि चालू कर दिया, तो फिर और मानसिक नई बीमारियाँ उनको हो सकती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बाहर खुल के बोलते नहीं है, बात करते नहीं है, तो ज़रूर लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनके दिमाग में जो लोगों को बोलते नहीं है तो दिमाग का उनका लोड ख़त्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वो डॉक्टर की सलाह लेंगे और अच्छे हो जाएगी। तो आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर ज़रूर शेयर करो, बेल आइकॉन जाता है वहाँ उसको क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।